आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है बीफ हांडी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कप के करीब दही ले लिया था। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून क्रीम। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून दूध, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे ले ली है 2 प्याज दरमियाने साइज़ की, स्लाइस कर ली है, और 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के, उसको भी स्लाइस कर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें उसको भी बारीक काट के ब्लेंडर में डालकर अब हम थोड़े पानी से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया, उसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/2 kg बीफ। यहाँ पे मैंने बोनलेस गोश्त लिया है, इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े मसाले। 5 मिनट फ्राई करने के बाद अब हमने जो मिक्सचर ब्लेंड किया था उसको डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ अदरक, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है यहाँ पर, और अब मैं 2 से 3 चम्मच लहसुन के ग्रेट कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा मिक्स करके पका लेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून भुना पिसा जीरा। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके पानी डाल दिया है ताकि गोश्त को गला लें। 1.5 से 2 घंटे बाद गोश्त गल चुका है अच्छे से और पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने जो क्रीम का मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक के ये खुश्क ना हो जाए। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी अदरक। आप देख सकते हैं हमने सालन को अच्छे से भून लिया था। 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बीफ हांडी। मैंने 1/2 kg बोनलेस बीफ ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी, और इतना पानी डाल रही हूँ कि हम गोश्त को अच्छे से गला लें। कुकर मैंने बंद कर दिया है। 15 से 20 मिनट में गोश्त गल जाता है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। गोश्त गल चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। अब हम बोटियों को निकाल लेंगे। अब हम पेस्ट बनाएंगे एक, तो इसके लिए मैंने ब्लेंडर ले लिया है और उसमें मैंने थोड़े से काजू 10-15 और 10-15 बादाम डाल दिए हैं, और 2 से 3 टेबल स्पून जो है खोपरा, और 2 से 3 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले ब्लेंड कर लेते हैं। 2 हरी मिर्चें, 1 लेमन जूस और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। इन तमाम चीज़ों को दोबारा से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं। अब इस पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें अब हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/2 टीस्पून भुना पिसा जीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक और गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी उबला हुआ गोश्त जो हमने कुकर में गला लिया था। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने रख दें। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून तेल डालकर और तकरीबन 1 बड़ी प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था वो ऐड कर दी है, और इस प्याज को हम ब्राउन करने तक पकाएंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड गोश्त। और इन तमाम चीज़ों को फिर अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे इतना कि सालन अच्छे से भुन जाए। अभी इसमें पानी मौजूद है तो पानी को अच्छे से तेज़ आंच पे खुश्क कर लेंगे और सालन को अच्छे से भून लेंगे। जब तेल ऊपर आ जाएगा
तो अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और चूल्हा ऑफ कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।